फ्रेंड्स टुडे नाउ वी स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 11 एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव और सम अदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब के मीनिंग को क्या करता है, थोड़ा सा मोल्ड कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही रैन फास्ट। ही रैन फास्ट, फास्ट क्या है आपका, एडवर्ब है, रैन आपकी वर्ब है, तो मॉडिफाइज द वर्ब रैन। यहाँ पे जो फास्ट है, फास्ट ने क्या किया, वर्ब जो रन है, रन को मॉडिफाई कर दिया, रैन कर दिया। ठीक है, द बॉय इज़ वेरी डल, वेरी मॉडिफाई द एडजेक्टिव डल। यहाँ पे जो वेरी है वो क्या कर रहा है, जो एडजेक्टिव डल है उसको मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, द आर्मी फाउट वेरी ब्रेवली, तो वेरी मॉडिफाइड द एडवर्ब ब्रेवली, क्या कर रहा है ये, इसको मॉडिफाई कर रहा है ब्रेवली को। किसने एडवर्ब, किसने मॉडिफाई किया, वेरी ने। नेक्स्ट है आपका पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स। पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स की, इनकी पोजिशंस क्या होती है, कहाँ पर एडवर्ब यूज़ होता है, कहाँ नहीं होता, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, एडवर्ब्स आर जनरली प्लेस्ड नियर द वर्ड्स विच दे मॉडिफाई एज द बॉय रैन क्विकली। एडवर्ब आर जनरली प्लेस्ड नियर वर्ड विच दे मॉडिफाई, मतलब कि जो आपके एडवर्ब होते हैं वो कहाँ कहाँ लगते हैं या कहाँ यूज़ होते हैं, उनका कहाँ पे वो उनका प्लेस होता है, जो भी वो वर्ब चेंज करेंगे, ठीक है, जो वर्ड वो मॉडिफाई करेंगे उसी के नियर वो एडवर्ब जो है लगे होते हैं। ठीक है, एडवर्ब कहाँ होंगे, उस वर्ड के साथ लगे होंगे, उस वर्ड के साथ यूज़ होंगे जिसका जो है मीनिंग उन्होंने मॉडिफाई करना है, जिसको उन्होंने मॉडिफाई करना है। ठीक है, द बॉय रैन क्विकली, तो बॉय जो है वो कैसे रन कर रहा है, क्विकली। द ओल्ड मैन सैड सैडली, द ओल्ड मैन सैड सैडली, तो ओल्ड मैन कैसे बैठा हुआ है, सैड बैठा हुआ है। नेक्स्ट, एडवर्ब आर यूजुअली प्लेस्ड, एडवर्ब के प्लेसेस हम यहाँ जानेंगे, बिफोर एडजेक्टिव्स और देन और अदर देन अदर एडवर्ब्स एज वेरी डल वेरी ब्रेवली। आप देखो कि हमेशा ये जो एडवर्ब होते हैं ज़्यादातर एडजेक्टिव से पहले लगे होते हैं, बिफोर एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, बिफोर एडजेक्टिव एट द एंड अदर एडवर्ब से पहले यूज़ होते हैं, जैसे डल, डल से पहले हमने एडजेक्टिव यूज़ किया वेरी, ठीक है, एडजेक्टिव से पहले हो गया ब्रेवली, ब्रेवली से पहले हमने एडवर्ब का यूज़ किया, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले जो है वो क्या यूज़ होते हैं, आपके एडवर्ब यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर द ऑब्जेक्ट अ ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है, मैंने आपने पहले जैसे आपने हिंदी में सकर्मक क्रिया पढ़ी है ना, वैसे वही आपको इंग्लिश में जैसे बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। आफ्टर द ऑब्जेक्ट अ ट्रांसिटिव वर्ब एज द गर्ल आंसर्ड द वुमेन वाइजली, द गर्ल आंसर्ड द वुमेन वाइजली। इसमें क्या होता है, आफ्टर ट्रांसिटिव वर्ब के लास्ट में जो है उसके बाद यूज होता है। नेक्स्ट, द एडवर्ब मे बी प्लेस्ड बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले भी हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं, ही नोइंगली इंसल्टेड हिम, तो इंसल्टेड क्या है आपका, वर्ब है और उससे पहले आपने नोइंगली यूज़ किया तो नोइंगली एडवर्ब है, तो ये वर्ब से पहले भी यूज़ होते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट है, व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाई अ होल सेंटेंस इट इज़ जनरली प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। व्हेन, जब भी एडवर्ब जो है, जब एडवर्ब किसी होल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करती है, तो वो कब यूज़ होती है, जनरली वो यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के बिगिनिंग में यानी स्टार्टिंग में यूज़ होता है। ठीक है, जब वो पूरे सेंटेंस को क्या करती है, मॉडिफाई करती है, जो जब एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करती है, तब हम एडवर्ब कहाँ लगाएंगे, सेंटेंस के बिगनिंग में यानी स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है, द एडवर्ब ऑलवेज नेवर ऑफन समटाइम्स आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब्स, आपके जो ऑलवेज नेवर ऑफन समटाइम्स ये सारे जो एडवर्ब है ये कब यूज़ होते हैं, बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, कि हमेशा वो कब फर्स्ट आता है क्लास में, ही इज़ नेवर लेट, वह कभी भी लेट नहीं होता, इज़ नेवर लेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडवर्ब इनफ फॉलोज द वर्ड इट मॉडिफाइज एज गुड इनफ। ठीक है, आपका जो इनफ होता है, इनफ हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। ठीक है, ये हमेशा आपको पॉजिटिविटी ही दिखाता है सेंटेंस में। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑनली, एडवर्ब ऑनली रिक्वायर्स ग्रेट अटेंशन इन द यू इन इट्स यूज़,
ओनली जब भी हम यूज़ करेंगे वो एक ग्रेट अटेंशन, ओनली क्या प्रेजेंट करता है, क्या शो करता है, एक ग्रेट अटेंशन, अटेंशन जो है वो प्रेजेंट करता है, ठीक है, रिक्वायर होती है, रिक्वायरमेंट होती है इसमें अटेंशन की. फॉर एग्जांपल, जनरली इट ओनली इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाई एज. जो आपका ओनली है वो किसी भी वर्ड से, उस वर्ड से पहले यूज होगा जिसको उसने मॉडिफाई करना है. फॉर एग्जांपल, हिज ब्रदर ओनली लिव फॉर देयर शेक, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, ओनली किसके पहले यूज हुआ, लिव से पहले, ये आपका वर्ब है, ठीक है. नेक्स्ट, इट मीन्स हिज ब्रदर डिड एवरीथिंग फॉर देयर सेक. ही गेव रुपी ओनली, ही गेव अ रुपी ओनली. यहाँ पे क्या, इस यहाँ पे जो सेंटेंस है इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स दैट मोर मे बी एक्सपेक्टेड. ही गेव अ रुपी ओनली, उन्होंने मतलब कि थोड़ी मैंने दी लेकिन एक्सपेक्टेड ज़्यादा थी. यहाँ पे थोड़ा ये नेगेटिव सेंस में आ गया कि ज़्यादा की जरूर, मतलब कि ज़्यादा वो दे सकते बट उन्होंने थोड़ी ही दी, ठीक है. नेक्स्ट है आपका एडवर्ब वेरी इज यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री. आप जो एडवर्ब वेरी है वो हमेशा कब यूज़ होती है, पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है. ये आपके हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज़ होगा. एंड मच इज़ यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री, और मच का यूज़ हम कब करेंगे, विद कंपैरेटिव डिग्री के साथ. फॉर एग्जांपल, शी इज़ वेरी हैप्पी, तो यहाँ पे हैप्पी जो है वो पॉजिटिव डिग्री है. एंड शी इज़ मच हैप्पियर, शी इज़ मच हैप्पियर मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री आ गया, ठीक है. नेक्स्ट, वेरी इज यूज विद प्रेजेंट पार्टिसिपल. वेरी कब यूज़ होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज़ होता है. एंड मच इज़ यूज विद पास्ट पार्टिसिपल, आपका ये जो है प्रेजेंट में यूज़ होता है वेरी, एंड मच आपका किसके साथ यूज़ होता है, पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस के साथ यूज़ होता है. द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है. एंड आई एम मच इंटरेस्टेड इन नेचर, कि मैं आप नेचर में जो है मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, रुचि है, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है. नेक्स्ट है एल्स इज़ फॉलोड बाय बट एंड अदर, इट फॉलोड देन, फॉलोड बाय देन एज, इट नथिंग एल्स बट फुलिशनेस. एल्स जो है ज़्यादातर आपका बट के साथ, अदर के साथ इसका यूज़ होता है, ठीक है. इट इज़ नथिंग एल्स बट फुलिशनेस, ये सिर्फ, ये कुछ नहीं बस एक मूर्खता है. इट मीन्स यह और कुछ नहीं बस एक मूर्खता है. He could not do it other than stop it. He could not do it other than stop it. Next, enough is generally used in the positive sense. Enough का use हम कब करते हैं, हमेशा positive sense में use करते हैं. And is used after word it modifies. और इसका use कब करेंगे, जिस word को उसने modify करना है उसके बाद, after use करेंगे, ठीक है. Use after the word it modifies. जिस वर्ड को उसने मॉडिफाई करना है उसके बाद में उसका यूज़ करते हैं. ही इज़ वाइज इनफ टू एडवाइज हिम, ही इज़ वाइज इनफ टू एडवाइज हिम. तो यहाँ पे जो है वाइज को इन्होंने क्या किया, मॉडिफाई, और उसके बाद इनफ का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट, वर्ब्स ऑफ टाइम आर यूजली यूज आइदर इन द बिगिनिंग और इन द लास्ट. जो वर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं तब हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम में जो आपके एडवर्ब होते हैं वो कब यूज़ होते हैं, जनरली यूज्ड बिगनिंग और इन द लास्ट, या तो लास्ट में यूज़ होंगे या बिगनिंग में यूज़ होगा. ही विल डू इट टमोरो, टमोरो ही विल डू इट, ठीक है. यहाँ पे स्टार्टिंग में भी यूज़ हो जाते हैं और लास्ट में भी यूज़ होते हैं एडवर्ब्स. इफ़ अ सेंटेंस हैज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब, इफ़ अ सेंटेंस हैज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब, अगर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब है, ही हैज़ नेवर अटेंडेड द क्लास. नेवर अटेंडेड द क्लास, मेन वर्ब क्या है, अटेंडेड, तो उसके साथ यहाँ पे क्या यूज़ किया, नेवर यूज़ किया. ही विल ऑलवेज डू इट, कि वो हमेशा करती है, ठीक है. ऑलवेज, तो डू है ना आपका, तो डू के पहले हमने किसका यूज़ किया, ऑलवेज का यूज़ किया, ठीक है. सो क्लास, आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है. हमने जैसे हमने इसमें क्या जाना कि कहाँ एडवर्ब जो है कहाँ यूज़ होते हैं. एडवर्ब जो है आपके एडजेक्टिव से पहले भी यूज़ होते हैं, एडवर्ब वर्ब से पहले यूज़ होते हैं, ठीक है. और जो क्या करते हैं, मीनिंग को, वर्ब्स को क्या करते हैं, वर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं. सो क्लास, आपका ये चैप्टर कम्प्लीट हो गया, इसको एक बार आप रीड कर लेना. ओके, थैंक यू ऑल.